अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज जो है हम आ चुके हैं अगेन एक बार 12 रबीउल अव्वल की रौनकें देखने यहाँ शाह फैसल 3 नंबर पर एक स्टॉल पर। और आज हमारे सब यहाँ पर बड़े प्यारे से हमारे अंकल मौजूद हैं और हम आपको इनसे बात करके सारा सीन यहाँ का बताते हैं और बताते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और फिर आपको वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। और जो है वीडियो को यहाँ से करते हैं शुरू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अंकल ये 12 रबीउल अव्वल का आपने स्टॉल लगाया हुआ बड़ा खूबसूरत सा, तो मुझे आप ज़रा बताएंगे कि आपने ये कब से लगाया स्टॉल? तकरीबन हमारे को लगाते थे उसको 40 साल का अर्सा हो गया माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो अंकल ये बड़ी खूबसूरत सी ना ये चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, तो आप मुझे बारी बारी बताएँ कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। या बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए और लड़कों के लिए हमारे पास पेजेस वगैरह होते हैं। सही है, गिने पे बने हुए होते हैं। ठीक है। और थोड़ा बच्चों की बालियाँ हैं, उनकी बोलियाँ होती हैं। सही है, बालियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, ये मुद्दे रखे हुए हैं इसके अंदर, रखे हुए हैं इसके अंदर, और बच्चों के इमामे शरीफ रखे हुए हैं। अच्छा, गुम्बद फिजरा है, घर को सजावट के लिए होता है, ये भी घर को सजावट के लिए होती है। देखो इसे अपने घर को सजाते हैं, ये झालरें होती हैं इसके अंदर, फानूस लगे हुए होते हैं इसके अंदर। अच्छा भाई माशाल्लाह। वो चाइना जान तरीके से बनाना चाहते हैं वो लेके जाते हैं आके रखो। सही है। और अपने घर को माशाल्लाह से सजावट करते हैं नबी बाबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवत के पूछे, दिल खोल के जिन खर्चा भी करते हैं और माशाल्लाह नियाज भी करते हैं और अपने घरों को महफिलों को सजाते हैं। चले अच्छा भाई, बड़ा प्यारा सा अंकल ने हमें इंटरव्यू दिया है, अब मैं आपको जरा ना चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो ये अंकल बैज आएंगे ना? जी बैजेज हमारा है। हाँ भाई ये देखें, ये बैजेज हैं, खूबसूरत बैजेज हैं माशाल्लाह। ये देखें ये कितने प्यारे बैजेज हैं, इस पर मदीना शरीफ बना हुआ है माशाल्लाह से। ये बैजेज देखें माशाल्लाह, ये नग वाले बैजेज हैं। अच्छा भाई ये देखें कितना खूबसूरत है यार माशाल्लाह माशाल्लाह। अंकल ये कितने का? ये 100 रुपये हदिया इसका। अरे 100 रुपये हदिया है भाई ये। ये 50 रुपये हदिया है, ये 100 रुपये हदिया है। ये बड़े बेजेज होते हैं माशाल्लाह से हमारे पास। ये देखें भाई ये बड़े बेजेज हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये अंकल ये लाइटें हैं वो वाली हैं, रिंग वाली है, गोल गोल घूमती रहती है? अच्छा हाँ ये वाली है हमारे पास माशाल्लाह से। ये चेक करें भाई। अच्छा ये भी मदीना शरीफ है? ये बच्चों की ताज होते हैं, छोटी बच्चियों वगैरह से जो होते हैं। सही है, सर में लगा लो, ये बच्चों के होते हैं ये अपना। अच्छा ये लड़कियों के लिए होते हैं, ये लड़कों के लिए होते हैं माशाल्लाह से मामा शरीफ। अच्छा सही है भाई सही है। इसके अलावा शरीफ वगैरह भी होते हैं हमारे पास, ये अपना सारे अपना जो ये देखें भाई, ये जो है ना ये बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए ताज हैंगे तो सर पे पहनने के लिए। ये देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। चलें भाई, अंकल ने हमें माशाल्लाह से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पर दिखा दी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा वगैरह होते हैं हमारे जो अपने बाइकों पे लगाते हैं लोग। अच्छा ये बाइक पे लगाने के लिए लगाने वाले सारे झंडे हैं, ये भी बाइक पे लगाने वाले। ये लगे थे ये मकतब वगैरह के अंदर, बच्चे जो जाते हैं मकतब वगैरह के लिए। अच्छा ये होते हैं सही। और ये जो झंडे हैं ये रैली वगैरह के लिए। अच्छा भाई ये रैली के लिए झंडे हैं, जो जुलूस होते हैं ना उसमें ये वाले झंडे इस्तेमाल होते हैं। ये देखें मदीना बना हुआ है इसके अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कैसा खूबसूरत लग रहा है। सबसे नबूवत वाला भी झंडा माशाल्लाह से, इसकी बहुत ज़्यादा इसकी माशाल्लाह से मांग है माशाल्लाह भाई। अंकल जदाक अल्लाह, बहुत बहुत आपने कोऑपरेट किया है। अच्छा भाई आपको हमने सारी चीज़ें दिखा दी हैं और जो है ना अब मैं आपको जो है ना यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये देखें ये भी जो है ना, ये भी आई थिंक हाँ ये देखें ये भी बैज आएंगे, ये सारे बैजेज हैं ये वाले सेट में भी ना। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ें अंकल के पास। अंकल 3 नंबर शाह फैसल में होते हैं और अगर किसी को यहाँ आना हो शाह फैसल के एरिए में तो वो यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर विज़िट कर सकता है इनके पास। तो चलते हैं अब। अच्छा भाई तो अब जो है हम अंकल से आपको एड्रेस उनका पूछ कर बताते हैं और अंकल से जो है दुआ सलाम करते हैं अपनी और घर की तरफ रवाना होते हैं। अच्छा अंकल मुझे ये बताएं कि आपकी दुकान का एड्रेस क्या है?
अगर किसी ने आना हो यहाँ पर। ये जुनेद अख्तर बुक स्टॉल है यहाँ पर। सही है, ठीक है, ठीक है, घर जाकर वहाँ पर मिलते हैं। और आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।